उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। वहीं यूएई में दो दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण भी दिया। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समिट को लेकर पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली और अब दुबई और अबूधाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ बैठकें हुईं। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से अहम करार हुए हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों से ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं, और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं, और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अब तक हुए सभी करार को धरातल पर उतारने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में मिल रहे सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। जितने निवेशकों के द्वारा हमें हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकते हैं, और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोजगार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें, हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे।